हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर देखेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स आखिरकार क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स एक आर्ट है, किसी भी इमेज को, लाइन को, चार्ट को किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन में ड्रॉ करने की। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की हेल्प से बनाया जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत सारे पिक्सल्स की मदद से मिलकर जो है बना होता है। और अब हम जानेंगे कि आखिरकार पिक्सल्स क्या होते हैं। पिक्सल्स कंप्यूटर ग्राफिक्स में सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि एक स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो पिक्सल होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन में जो हम देखते हैं कि कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन है, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो जो है वो पिक्सल होती है। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द का आखिरकार यूज़ सबसे पहले किसने किया था, हम ये जानेंगे। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द का सबसे पहले जो यूज़ है वो वर्न ह्यूटसन और विलियम फेटर ने 1960 में किया था। तो वहाँ से कंप्यूटर ग्राफिक्स की कंप्यूटर साइंस के अंदर एक शुरुआत हुई है। और अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के आखिरकार कितने टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स के बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। और पहला है जिसमें इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, और दूसरा है नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसमें अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है। तो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है उसमें यूज़र जो है इमेज में बदलाव कर सकता है। उस पे एक प्रायोरिटी एक ये होती है कि वो किसी भी इमेज में बदलाव कर सकता है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर। और दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि कंप्यूटर तथा यूज़र के मध्य यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। कंप्यूटर और यूज़र के जो बिटवीन है वो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है उसमें यूज़र जो है वो इमेज को सिर्फ देख सकता है, उसमें कोई भी मॉडिफाई या वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में। तो सिम